देखिए, परिवर्तन और बदलाव जो है प्रकृति का नियम होता है। उस नियम के तहत इस जिले के शहर अध्यक्ष आदरणीय संजय पांडे जी, ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय सुरेश बैठा जी की जगह पर कुमार राजा जी जो शहर के अध्यक्ष बने हैं और राकेश किरण महतो जी ग्रामीण के बने हैं। निश्चित रूप से जो इन लोगों ने एक लंबी लकीर खींची है संजय पांडे और सुरेश बैठा जी ने, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरा हमें विश्वास है कि जिस तरह से युवाओं को जिम्मेदारी मिली है, आने वाला समय रांची में कांग्रेस का होगा और सिर्फ कांग्रेस ये जिम्मेवारी रहेगी। ये राकेश किरण महतो और कुमार राजा दोनों परिपक्व हमारे हैं, और ये कुमार जो सुरेश बैठा है आप देख रहे हैं, ये एक मंजे हुए नेता रहे हैं। संजय पांडे जो रहा है वो भी महानगर का, तो जो छोड़ के गए हैं उससे बहुत आगे बढ़ना है इन्हें, यही शुभकामना है। हम सब लोग कार्यकर्ता की हैसियत से इनके साथ जुड़े रहेंगे। और राजा जी और डॉक्टर राकेश किरण महतो जी, आप लोगों के कंधों पर यह भी जिम्मेवारी है। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से पूरी जो हमारी सांगठनिक प्रक्रिया थी उसका बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए जो एक्चुअल में जो लोग काम करते थे पूरे राज्य में, उन लोगों का उन्होंने चयन किया है। बड़ी जिम्मेदारी जो जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का है, वो काम उन्होंने अच्छे लोगों को पूरे राज्य में दिया है। तो सबसे पहले तो आलाकमान को धन्यवाद है। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी में वर्तमान समय में जो जिला स्तर पर संगठन की जो दायित्व होता है, उस दायित्व का मैं बेहतर तरीके से, जो उस दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसका हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ संगठन का लाभ राज्य की जनता को, अपने जिले की जनता को कैसे हम लोग दे पाएँ, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संगठन के भी जो लोग, जो चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी के हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सबों को हम कैसे कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ सकें, कैसे युवाओं को, महिलाओं को, जो वंचित समाज है उसको हम कैसे मुख्य धारा में जोड़कर आज के समय में जो पूरे देश को दिग्भ्रमित करने वाली शक्तियां हैं उनसे हम कैसे उसको हटाकर अपनी जो पार्टी की जो विचार दे रहा है, जिसका ये देश जो है शुरू से अनुयायी रहा है, हम उस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का भी भविष्य उज्ज्वल हो और राज्य की जनता, यहाँ की जिला की भी जो जनता है उनको भी इसका लाभ मिले, इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे। देखिए, बनने के बाद जो भी पूछ रहे, मैं उनको बता रहा हूँ कि रांची में जन्म हुआ है, रांची शहर की राजनीति 15-20 सालों से कर रहा हूँ, यहीं से मैं छात्र राजनीति मैंने शुरुआत की, जिला अध्यक्ष रहने स्वाइप का, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसके बाद आप सभी का आशीर्वाद से संगठन ने पूरे देश में घूम कर काम करने का मौका मिला। मैं रांची के लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, जरूरतों को समझता हूँ, रांची के मुद्दों को समझता हूँ। मुझे पता है यहाँ के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नेता की क्या सोच है, कांग्रेस पार्टी क्या विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को लेकर नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ सरकार की योजनाओं को कैसे यहाँ के घर घर तक पहुँचाना है, कैसे यहाँ पर अपने लोगों को अधिकार दिलाना है, कैसे मूलभूत सुविधा से जूझ रहे शहरवासियों को सुविधा दिलाना है, इस बात का खास ध्यान रहेगा। और युवाओं को साथ लेकर चलूंगा और पुराने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलूंगा।